नमस्कार। स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल पवार आप तब सब तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वच्छकार समाज जो आज का जो हमारा विषय है वह है स्वच्छकार समाज उद्यमिता की ओर, जिसमें हम बात करेंगे दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फाउंडर चेयरमैन पद्मश्री मिलिंद कामले जी। सर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपको स्वागत करती हूँ, जय भीम बोलती हूँ। जय भीम, जय भीम। थैंक यू सर फॉर गिविंग टाइम विद अस सर। आज का जो हमारा सर विषय है स्वच्छकार समाज उद्यमिता की ओर, इस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो फिक्की था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसकी तर्ज पर, बल्कि यूं कहें क्योंकि उसके पैरलर में शुरू हुआ दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिक्की जिसको कहेंगे, डिक्की जिसकी स्थापना अगर मैं गलत ना हूं तो 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पे शुरू हुई थी 2005। आज लगभग 15 वर्ष बीत चुके हैं और भारत के तमाम राज्यों में, बल्कि ये कहें कि 25 राज्यों में डिक्की काम कर रहा है। एक बड़ा एक मूवमेंट उद्योग जगत में मिलिंद कामले जी ने अपने नेतृत्व में चलाया है, जिसकी चर्चा न केवल भारत में है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में कम से कम 7 और 8 विदेशों में डिक्की बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपने दलित समाज का, वंचित समाज का, वो तबका जो एक तरह से जो सीकिंग था, वो इंडस्ट्री के माध्यम से, डिक्की के माध्यम से जो गिवर बना। और जैसा कि हम मिशन भी देखते हैं कि हम जॉब देने वाले बने न कि जॉब लेने वाले, वी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स, इसको आपने व्यवहारिकता पर धरातल में उतारा है। ये केवल कहने भर के लिए नहीं था कि फिक्की जिस आधार पर काम कर रहा है क्या डिक्की भी उसी आधार पर काम कर पाएगा, लेकिन आपने ये साबित करके दिखाया। इसका जीता जाता सबूत है कि भारत के 25 राज्यों में डिक्की बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसने दलित समाज के अंदर एक औद्योगिक क्रांति का एक आगाज किया है। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दलित समाज का जो खासकर जो डिक्की का उद्देश्य भी है, दलित समाज के एंटरप्रेन्योरशिप बनाना, उद्यमी बनाना, बिजनेसमैन बनाना, जिसका काम आप 25 राज्यों में लगभग कर रहे हैं, इसकी जो शुरुआती दौर था या यूं कहें कि डिक्की के अस्तित्व में आने का क्या आधार रहा, कैसे ये बना कि आपको आपकी आपको डिक्की पर काम करना है, मतलब दलितों को उद्योग की तरफ लेके जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप बनाना है, क्या इसका उद्देश्य रहा सर और कैसे शुरुआत हुई इसकी? देखिए मैंने बाबा साहब अंबेडकर जी को पढ़ा है और खासकर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो आर्थिक विचार है वो पढ़े हैं, और बाबा साहब यही चाहते थे कि अपना समाज जो है उसका एम्पावरमेंट हो। वो अलग अलग तरह से जो जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन बनी, उस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमें कुछ अवसर मिले, एजुकेशन का अवसर मिला, फिर नौकरियों का अवसर मिला, फिर उसके बाद में रिजर्वेशन का अवसर मिला जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, तो इसकी वजह से लोगों को एक मौका मिला आगे आने का। वो समय भी वही था कि जो स्ट्रगल था वो अलग टाइप का स्ट्रगल था, इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल था, और उसके लिए सब लोग काम कर रहे थे। तो यह जो एक पहलू था कि हमारे समाज का जो आर्थिक विकास है, उस आर्थिक विकास के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं था, ये तो वास्तविकता है। क्योंकि बाकी अन्य विषय, डिस्क्रिमिनेशन से लेके अन्य इतने विषय हावी थे, तो उसी में हमारा पूरा इंटेलिजेंस या लगा रहा, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप उसी में लगी रही। मगर यह एक जो बात थी कि बाबा साहब अंबेडकर तो ही वॉज द इकोनॉमिस्ट, उनका जो पूरी पढ़ाई हुई है, आपने जो पीछे कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो पिक्चर लगाया है आपके पीछे,
तो बाबा साहब वही उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, दोनों सब्जेक्ट उनके इकोनॉमिक्स के थे, एमए पीएचडी। फिर वो वापस आए, फिर लंदन गए, लंदन में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, तभी उनका विषय इकोनॉमिक्स ही था। और वापस आने के बाद वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने सिडनेहम कॉलेज में। सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स तब एक ही सब्जेक्ट था। तो यह अगर हम देखेंगे तो ही वॉज द इकोनॉमिस्ट। जब वो मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने, फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे विषय जिसकी वजह से अनुसूचित जाति जनजाति है, जो गरीब समाज है, दबा समाज जो है, उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है और उस एक्सप्लॉयटेशन को कैसे रोका जाए, आखिर एट्रोसिटी आखिर होती किस पर है, तो एट्रोसिटी उन्हीं पर होती है जो कमजोर होते हैं, तो उसको सक्षम कैसे बनाना है, तो उसके लिए बाबा साहब ने बहुत सारे प्रावधान किए। तो हम भी हमारे जो थॉट बास्केट था उसमें जब हमने विचार शुरू किया तो हमने सोचा कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वह बहुत जरूरी है। जब 1990 का जो दौर था वो ग्लोबलाइजेशन का, जिसकी वजह से मार्केट खुला हुआ, बहुत सारी कंपनियां देश में आने लगी, तो तभी बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में घुसने के, सब पार्ट सप्लाई करने के और इसके सब मौके मिले, अवसर मिला। तो तभी से एक हमारा जो थॉट प्रोसेस था इसी दिशा में शुरू हुआ। और दूसरा, अगर हम देखेंगे तो हमारे समाज में हर प्रकार की लीडरशिप है, सोशल लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, इंटेलेक्चुअल लीडर्स है, आप जैसे प्रोफेसर सब लोग हैं जो समाज को एक दिशा देते हैं, मगर हमारे समाज में भी बिजनेस लीडर्स होने चाहिए जो 1990 के बाद जो मार्केट खुला है और उस मार्केट में जो अवसर है सर्विस प्रोवाइड करने के या जो भी मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट सप्लाई करने के, तो उसमें भी हमारे लोग घुस गए और हम भी उसमें, हम तो हम पहले से ही हम एज अ बिजनेस ही हम लोग कर रहे थे। तो तब ऐसे मुझे लगा कि नहीं, हमें हमारा अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है तो एक इंडस्ट्री की आवाज होनी चाहिए। आज अगर देखो कि आप सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री हो या ट्राइबल मिनिस्ट्री हो, उनके माध्यम से जो भी जो स्कीम्स है वह सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम्स है। उस स्कीम का लाभ लेके बहुत बड़े कोई उद्योगपति बने हैं, ऐसा तो कोई मेरे ध्यान में नहीं है। तो उससे कुछ नहीं होता, ये तो थे। तो बिफोर डिक्की तो बहुत सा यही इस टाइप के कुछ स्कीम वगैरह ये थे। तो हमने यही सोचा कि नहीं, हमको इसमें काम करना चाहिए, एक अपना ग्रुप जो है वो बनाना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग जो एंटरप्रेन्योर्स है पूरे देश भर में उनको पहले हम इकट्ठा करेंगे, पहले एक अपना फोरम, अपना एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाएंगे। और ऐसे काम की शुरुआत, आपने जैसे कहा कि 14 अप्रैल 2005 को पुणे से इस काम की शुरुआत हो गई। जी सर, आवाज बीच में रुकी हुई है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी जी, मैं सर ये जानना चाह रही थी कि आप लोगों का 15 साल का अनुभव है, इसके आधार पर दलित और महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया डिक्की के अनुभव के आधार पर? तो देखिए, हमारे सामने जो चैलेंजेस थे, एक तो जो दलित समाज है उसको प्रिपेयर करना बिजनेसेस में, क्योंकि उसका माइंडसेट ही नहीं था जी, क्योंकि नौकरी की ओर जाना ऐसा ही युवाओं का माइंडसेट था। तो यह सबसे बड़ा चैलेंज था कि नहीं, हम बिजनेस भी कर सकते हैं। जो हम जो विचार कर रहे थे, जो विचार करते हैं, और जब हमारे समाज को जब देखते हैं तो हमारा समाज आखिर क्या करता था, तो समझ में ये आता है कि हमारा समाज अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता था। तो एक उद्यमी अगर बनना है तो उद्यमी बनने की प्री कंडीशन क्या होती है,
तो आपके पास कुछ ना कुछ स्किल सेट या नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे पास स्किल सेट है, तो हमको ये लगा कि ये जो हमारा समाज जो है यह इज द मोस्ट वल्नरेबल टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये बन सकता है, उसके पास स्किल सेट है, नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं। आज के तारीख में तो यू कैन एक्वायर एनी नॉलेज, मगर सबसे बड़ा जो है वो स्किल सेट था। तो फिर उनको कन्विंस करना कि यस आप ये कर सकते हो, यह सबसे बड़ा चैलेंज था। फिर उसके बाद में जो आपने कहा कि महिलाएं भी अभी बहुत सारी, अभी डिक्की के साथ जुड़ी हुई महिला उद्यमी भी हमारे साथ है, और वो भी बहुत ही अच्छा काम महिला उद्यमी भी पूरे देश भर में कर रही है। तो यह इनको मोटिवेट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, उनके प्रोडक्ट जो है वो उसको डिस्प्ले करना अलग अलग एग्जीबिशन के माध्यम से, अलग अलग उनके लिए इंफॉर्मेटिव सेमिनार्स वर्कशॉप जो है वह करना। तो यह सब हम लगातार करते रहे, तब जाके लोगों को विश्वास आया कि यस दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यह जो प्लेटफॉर्म है, यह प्लेटफॉर्म अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी उद्यमियों के लिए है। ऐसा एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मगर लोग इनिशियली तो जैसे आपने कहा कि जो फिक्की बना था स्वतंत्रता के पहले, तब से वो काम कर रहा है, तब से वो अपना एक प्रेशर ग्रुप बना के काम कर रहा है। तो ये है, तो उसी प्रकार हमने भी ये सोचा, नॉट ए प्रेशर ग्रुप, एक इंट्रैक्शन के लिए एक ग्रुप बनाया जाए, और वो बना के अभी हम लोग काम कर रहे हैं। जी सर, मैं ये जानना भी चाह रही हूँ साथ ही साथ कि आर्थिक स्थिति में जो एंटरप्रेन्योरशिप में आई जो महिलाएं, या फिर हम अपने जो समाज के जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में आए, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तो क्या सामाजिक परिवर्तन भी कुछ हुआ उनकी स्थिति का, या ये कहें कि सामाजिक स्थिति उनकी बदली है या आने वाले दिनों में बदल जाएगी, दिक्की का क्या ये पर्पज है सर जी? तो देखिए, ये जो सामाजिक बदलाव जो है उसके लिए समय लगेगा, यह कोई एक दिन का काम नहीं है। तो ये शुरुआत हुई है, जो लोगों का जो माइंडसेट था वो नौकरी मांगने वाला माइंडसेट था, तो हमने उसको नौकरी देने वाला बनना चाहिए, इस प्रकार का एक आत्मविश्वास जिसको हम कह सकते हैं इस देश के नौजवानों में जगाने में हम कामयाब रहे। वही हमारा पहला मकसद था कि इस देश का जो नौजवान है अनुसूचित जाति जनजाति का, वह केवल नौकरी मांगने वाला न रहे तो वो नौकरी देने वाला बने। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और वो हुई। जैसे आप कह रही है कि देखिए, जो सामाजिक सुधार जो होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। आप प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाती है, और हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस और इनके जो प्रोफेसर है वो भी हमारे मित्र है, जब हमारी भी बातें होती रहती है उनसे। तो देखिए, ये आर्थिक सुधार जो है, आर्थिक विकास जो है, देखिए भारत सरकार लास्ट 70 साल से काम कर रहा है, जिसमें एक बजट होता है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से। हर राज्यों में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, ट्राइबल मिनिस्ट्री है, हर कारपोरेशन या जिला पंचायत में भी एक सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट होता है। तो 70 साल से सरकार इसमें काम कर रही है, तो उसकी वजह से कुछ फर्क तो पड़ा है, मगर डिक्की को सिर्फ 15 साल ही हुए हैं। तो इस 15 साल में हमने एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म लोगों का बनाया है, हम भी बिजनेस कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम हमारा विकास कर सकते हैं। यह जो एक कॉन्फिडेंस है वह बनाना, वह एक बहुत इम्पोर्टेंट था, वो हुआ। अभी सामाजिक सुधार होंगे, आर्थिक विकास होगा, ये तो होते रहेगा, ये तो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जी जी
सर, स्वच्छकर समाज कैसे उद्यमिता की ओर बढ़े या बढ़ रहा है, इस पर सर विस्तार से थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ। तो देखिए, मैं पहले ये तो एक प्लेटफॉर्म बनने की बात हुई जी, उसके बाद में हमने सरकारों के साथ काम करना शुरू किया। 2011 में भारत सरकार ने डिक्की को एक नेशनल चेंबर रिकॉग्नाइज किया और 2011 से हमें प्री बजट डिस्कशन में वो बुलाते हैं जी जी। तो उसके माध्यम से हमने बहुत सारे पॉलिसी पुश करना शुरू कर दिया। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ, उसी प्रकार हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हमने इंटरेक्शन शुरू किया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत ही अच्छी पॉलिसी सपोर्ट जो है जो बनी, जो मैं हमेशा कहता हूं कि हर उद्यमी को या जो भी कोई उद्यमी है उसके लिए 3M की आवश्यकता होती है। एक फर्स्ट M होता है मार्केट, सेकंड M होता है मनी और थर्ड M होता है मेंटोरिंग। तो इसकी आवश्यकता होती है और हम सब लोग अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है, तो हमें इसकी तो बहुत सारी जरूरत है। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया। तो सबसे पहले मार्केट कैसे क्रिएट हो, तो आपको बताऊं, मैं 2012 में भारत सरकार ने एक कानून में बदलाव किया, एमएसएमई का जो 2006 का कानून था उसमें 2012 में बदलाव किया और इस देश के जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है उनके लिए 20% खरीदने का प्रावधान, इस एसएमई से हम खरीदेंगे ऐसा एक प्रावधान किया। तो तभी हमने इंटरवेंशन किया कि इस देश में भी अनुसूचित जाति जनजाति की जो युवा है वह भी बिजनेसेस में आए हैं तो उनके लिए भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। और उसी में से 4% 20% में से 4% SC ST उद्यमी से खरीद करेंगे। तो एक एश्योर्ड मार्केट जो है इस देश के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बना। ये तो मार्केट की बात हो गई। जो मनी जो है उसके लिए फिर हमने सरकार के साथ पुश किया, तो उसमें मुद्रा जैसी स्कीम बनी, स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम, ये दो स्कीम ऐसी है स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो हमारी जो बैंकिंग और लेंडिंग सिस्टम है ये दोनों कोलैटरल फ्री लोन इस दोनों स्कीम में है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। जो फर्स्ट जनरेशन उद्यमी है उसके लिए लोन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो मेरा उद्यम शुरू किया तब कोई बैंक ने सपोर्ट नहीं किया, कोई स्कीम ही थी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो मैंने मेरे 25,000 के ऊपर मेरा उद्यम शुरू किया। तो देखिए, तो इसमें ये बहुत बड़ी बात होगी। फिर वेंचर कैपिटल फंड हमने बनाया, फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम हमने बनाया। तो लगभग 50,000 से लेके 15 करोड़ तक का फाइनेंस मिलने की सुविधा भारत सरकार के माध्यम से हमने किया। उसको कुछ सरकारों ने अडॉप्ट किया है, वहां पे भी स्कीम बनी। जैसे हमने महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्पेशल पैकेज स्कीम बनाई है, तो उसी में वेंचर कैपिटल फंड हमने बनाया है 100 करोड़ का महाराष्ट्र स्टेट के SC ST के लिए। तो ये हुआ। और थर्ड मेंटोरिंग, और उस मेंटोरिंग में भारत सरकार ने एक नेशनल SC ST हब बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME में, जो कि जिसके 15 देश भर में ऑफिसेस है और उसके माध्यम से सबको सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है, जो मेंटोरिंग का, हैंड होल्डिंग का, मार्केट लिंकेजेस का, ये जो है ये हो रहा है। तो इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम इस देश में सबसे पहले बनाने का काम अभी हमने किया। अभी जो समय है वह डिलीवरी का है और उस डिलीवरी के समय में हमने जो स्वच्छकार समाज जो है उसके लिए हमने जो है दो अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, जो एक दिल्ली में है और एक हैदराबाद में। तो इस प्रकार वो क्या है मैं बताऊंगा बाद में। तो इस प्रकार एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम जो है वो क्रिएट करना, तो यह काम किया। तो देखिए, सबसे पहले
तो अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं का एक मानस बनाना बिजनेस की ओर बढ़ने के लिए, वो करना, उनको हैंड होल्ड करना, उनको सपोर्ट क्रिएट करना यह, और दूसरा गवर्नमेंट स्तर पर एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्रिएट करना, यह दूसरी बात। अब तीसरी बात जो है वो डिलीवरी की। तो उसमें आपने जो सवाल पूछा है मुझे, जो स्वच्छता समाज है उसके लिए क्या हुआ, तो वह मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि हैदराबाद में 2014-15 में एक घटना घटी, जो इस देश में जो भी क्लीनिंग एक्टिविटी जो होती है कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके सब जगह पार्लियामेंट तक, और जब जहां तक भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है या कॉर्पोरेशंस है, यानी कि पूरे देश को स्वच्छ रखने का काम जो है वह स्वच्छकार समाज करता है। इसकी वजह से इस देश के जो लोग हैं वह स्वस्थ अपने घर में रह सकते हैं। तो यह जो समाज है यह बहुत ही दुर्लक्षित है जिसको मैं कहूंगा, क्योंकि उनके लिए सेफ्टी मेजर से लेके बहुत कुछ नहीं है। तो ऐसी ही एक घटना हैदराबाद में घटी, जो ड्रेनेज है वो क्लीन करने के लिए जो मैनहोल होता है वो उतर के एक आदमी उसमें उतरा, तो अलवेज आप देखेंगे जो कैजुअलिटी होती है वो 2 से 3 लोग मरते हैं, क्योंकि वो साफ करने के लिए नीचे उतरते हैं तो अंदर एक बहुत ही खतरनाक गैस बना रहता है, वह गैस साइनस पे अटैक करता है और 2 मिनट के अंदर आदमी मरता है, और उसको बचाने के लिए हाथ देने के लिए जब दूसरा आदमी जाता है उसको भी अटैक होता है, ऐसे 2 से 3 लोग मरते हैं। तो ऐसी ही घटना हैदराबाद में घटी, तो तब जाके हमने वहां के जो हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स है उन्होंने हमारे लोकल डिक्की के जो चैप्टर के प्रमुख हैं वहां के रवि कुमार नाराजी, उनको बुलाया और उनको ये कहा कि क्या आप हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के साथ काम करेंगे। तो हमने तुरंत कहा कि बिल्कुल हम काम करेंगे। फिर जाके हमने वो काम किया है, तो एक मिनी जेटिंग मशीन जो है उन्होंने डेवलप की है और उसको ट्रेनिंग देंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ताकि जो ये काम करने वाले जो लोग हैं हाथ से न करें। तो मैडम मैं आपको बताऊं, इस देश में जो भी हाथ से काम होता है वहां जाति बनी रहेगी, जो काम मशीन से होगा तभी हमारे देश की जाति खत्म होगी। तो इसमें हमने बिल्कुल तुरंत कहा कि बिल्कुल हम करेंगे, और उसके बाद में उन सब लोगों को आइडेंटिफाई करना, 160 लोगों को वो आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मेट्रो वाटर वर्क्स में उनको एज अ कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर करना, यह पूरा हैंड होल्डिंग हमारे हैदराबाद के टीम ने, रवि कुमार नारा जी ने किया सबको। फिर उसके बाद में टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, तो टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरा हैंड होल्डिंग फिर किया। उसके बाद में मशीन लेना है, तो पुणे में काम अविदा नाम की कंपनी है, वो यह मशीन्स बनाती है, तो हमने उनको संपर्क किया और उन्होंने वो मशीन्स बना के देने का एग्री किया। फिर वो जो एक गाड़ी लगती है उसके लिए टाटा से हमने बात की, टाटा ने भी बहुत ही अच्छे सस्ते इसमें गाड़ियां दे दी। फिर फाइनेंस, अभी यहाँ देखिए हमने जो स्टैंडअप इंडिया स्कीम बनाई है, उस स्टैंडअप इंडिया स्कीम के माध्यम से हैदराबाद में जो 160 लोग हैं उनको लगभग 28 से 30 लाख रुपए का लोन विदाउट कोलैटरल लोन उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया, यही स्टैंडअप इंडिया स्कीम से। और वहां से फिर वो जो उनकी गाड़ियां लगी, चलने लगी, अभी 3 साल हो गए हैं, तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास हैदराबाद में हुआ। और जब से, तो देखिए हमें इस बात की खुशी है कि तब से हैदराबाद में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। तो जो लोग की कैजुअलिटी होती थी, तो हमें इस बात से खुशी है
क्योंकि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से और जिस प्रकार हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहा उसके माध्यम से एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी मनुष्य का जान वहां पे नहीं गई है। तो यह एक मॉडल हैदराबाद में हमने दिल्ली का भी थोड़ा बताइए सर। तो देखिए ये होने के बाद में आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में भी बहुत कैजुअलिटी हो रही थी, लगातार उसका रिपोर्टिंग होता है। तो एक बार ऐसे ही एक टीवी चैनल ने इसका रिपोर्टिंग किया कि डिक्की नाम की संस्था ने हैदराबाद में एक अच्छा प्रयोग किया है और जेटिंग मशीन के माध्यम से वो क्लीनिंग हो रहा है। तो इस प्रकार का प्रयास दिल्ली सरकार ने भी करना चाहिए। तो तभी दिल्ली सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, माननीय मंत्री सोशल जस्टिस राजेंद्र पाल जी हैं, उन्हीं के ऑफिस से भी हमको कॉल आया, फिर सीएम ऑफिस से भी कॉल आया और उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया। तो दिल्ली के जो ऑनरेबल सीएम हैं उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया, हमने प्रेजेंटेशन दिया और दिल्ली में जिस हैदराबाद में जिस प्रकार काम हुआ है तो वह उनको हमने बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि यस आप हैंड होल्डिंग करिए और यहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं। तो फिर जाके बड़ी प्रोसेस हुई उसकी। दिल्ली में तो बहुत सारा पॉलिटिक्स होते रहता है, बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर दिल्ली में जो इस्टेब्लिश्ड लोग हैं उनको बहुत तकलीफ हो गई कि अभी ये शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं स्वच्छकार समाज के अभी वो खुद उद्यमी बनेंगे क्या। तो इस प्रकार बहुत कोर्टबाजी भी उसमें उन्होंने की, वो सब हुआ मगर वो होने के बाद भी बहुत ही अच्छा डिसीजन कोर्ट ने दिया। जस्टिस खरे और एक जज थे और डबल जज का बेंच था, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि जो स्वच्छता का काम है वह लोग केवल स्वच्छता का ही काम करते रहे क्या दूसरों के हाथ के नीचे, वो भी अगर उद्यमी बनना चाह रहे हैं तो उसको सरकार ने सपोर्ट करना चाहिए और जो भी पिटिशनर था उसकी पिटिशन उठा के फेंक दी। तो उसकी वजह से तो ये तो ये कोर्ट की लड़ाई थी, वो भी हमने लड़ ली। फिर उसके बाद में अगेन वहां थोड़ा फिर हमने एडवांस मशीन बनाया, उसमें दो तीन ऑपरेशन, हैदराबाद में तो ओनली जेटिंग का ऑपरेशन है, यहाँ पे दो तीन और ऑपरेशन उसमें एड हमने कर दिए, जेटिंग के साथ रॉडिंग और ग्रैबिंग करना, यानी कि जो पाइप को हाथ से जो रॉड चला के साफ करते हैं उसके बदले मशीन से ही वो रॉड रॉडिंग होगा, फिर जो मिट्टी वगैरह जो निकलती है तो उसको निकालने के लिए वो ग्रैबिंग का एक यूनिट, और जो तंग गलियां है दिल्ली में उसमें भी वो मशीन जाए, वह डिजाइन करके अभी 200 जो लोग हैं उन 200 लोगों को आइडेंटिफाई किए, टेंडर की भी वही कंडीशन थी। मैडम इसमें दिल्ली सरकार के दो जो ऑफिसर है उन्होंने जो भारत सरकार का जो कानून बनाया है मैनुअल स्कैवेंजिंग के एक्ट जो बना है उनके खिलाफ, तो उस एक्ट को टेंडर में इनबिल्ट किया और वो इनबिल्ट करके 2013 का जो मैनुअल स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो एक्ट था उसको उसमें डाला गया। जी जी हाँ, उस एक्ट को उस टेंडर में उन्होंने उसके आधार पे टेंडर उन्होंने बनाया। जी जी। और उसमें प्रायोरिटी रखी, उसमें दिल्ली में 10-12 कैजुअलिटी हो गई थी तो उन्होंने पहली कंडीशन हु इज एलिजिबल फॉर दिस टेंडर, तो सबसे पहले इस टेंडर के लिए एलिजिबल होगा जो डिसीज फैमिलीज है, यानी जिनके घर से कोई ना कोई मरा हुआ है इसमें, तो वो, उसके बाद में सफाई कर्मचारी, फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, फिर बाद में आदर्स, तो ऐसे लगभग वो टेंडर जो बना और उसमें 200 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया, अगेन पूरा उनको वहां पे एज अ कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर करना, उनका सब पेपर वर्क करना, उनको बैंक से कनेक्ट करना। अगेन मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, दिल्ली में भी वह आगे आए।
तो इसके लिए मैं हैदराबाद के जो हमारे एंटरप्रेन्योर बने हैं, जिसको हम सैनिट्रूनर्स कहते हैं, सैनिटरी एंटरप्रेन्योर, सैनिट्रूनर्स, तो उनको धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। क्योंकि दिल्ली में जब हम बैंक के साथ बात करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि यस, आपने हैदराबाद में स्टेट बैंक के साथ काम किया है, तो हमें जहां जहां से इनके लोन हो गए हैं उनके आप उस बैंक मैनेजर के नंबर दीजिए। तो हमको भी ये समझ में नहीं आया ये नंबर क्यों मांग रहे हैं। हमको लगा कि शायद वो वेरीफाई करेंगे कितने लोग डिफॉल्ट हुए हैं, लोन रीपे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो बैंक को वेरीफाई करना होगा। तो हमने उनको नंबर दे दिए, आप वेरीफाई करिए। जब उन्होंने वेरीफाई किया तो सभी अकाउंट्स जो है वह स्टैंडर्ड अकाउंट। मैडम, स्टैंडर्ड अकाउंट का अर्थ जो होता है बहुत ही अच्छे अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं। कोई भी एनपी, हमारे यहाँ आजकल एनपीए अकाउंट ही ज्यादा होते हैं, मगर ये स्टैंडर्ड अकाउंट जो है उनके थे। तो इसके लिए वो सभी वहाँ के जो स्वच्छकार समाज के जो नए उद्यमी बने हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, स्टैंडर्ड अकाउंट मेंटेन करते रहेंगे, तो ही हमारा क्रेडिट बनता जाएगा। और वही दिल्ली में हुआ, और वह उन्होंने एक मिनट भी नहीं लगाया, उन्होंने सबके प्री सैंक्शंस लेटर 200 के 200 हमें उन्होंने सौंप दिए। तो दिल्ली में भी वो हो गया और दिल्ली में भी अभी वो चल रहा है। आपसे सॉरी मैं इंटरवेंशन कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये तमाम जो लोग सुन भी रहे हैं और बार बार मुझसे सवाल भी पूछ रहे हैं फेसबुक पे, उनके लिए भी, और बीच में जो दिल्ली का जो आप बता रहे हैं सर, मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये है कि जब मशीनें आई, ये बहुत अच्छा पूरा डिटेल आपने बता दिया, बहुत सारे लोगों के सवाल थे इसमें, इवन इंक्लूड में मेरा भी ये सवाल था कि मैनुअल स्पेंडिंग एक्ट को अगर कोर्ट इसमें बीच में इन्वॉल्व कर देता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ये देखिए कि ये तो सोशल जस्टिस का भी सवाल है ना सर, कि जो लोग सदियों से इसमें जो मेन होल में काम करते हुए मर जाते हैं, अगर जब वो मशीनीकरण होता है या उसको इंडस्ट्री कर लिया जाता है तो भागीदारी उनकी तो पहले दावेदारी बनती है सर, ये मेरा बिल्कुल एकदम साफ साफ मानना है। और हो सकता है हमारे बहुत सारे भाई बंधु इससे नाराज भी हुए। दिल्ली में जब मशीनें आई सर, आपका पूरा इस पूरे सीन को मैं देख रही थी, और सच बताऊं तो आज की जो चर्चा का जो विषय जो लिया गया उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए जानना, और तमाम मेरे उन दर्शकों के लिए भी जो स्वच्छकार समाज से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में जब मशीनें आई तो एक तो टेंडर जो निकाला गया वो इंग्लिश में निकाला गया, उसका टाइम बाउंड बहुत कम था, और आप सब जानते हैं सर तमाम हम लोग उन्हीं वंचित वर्ग से आते हैं, हमारे यहाँ कितने खासकर वो लोग जो सफाई पेशे से जुड़े हुए कितने पढ़े लिखे हैं, उनको हिंदी तक नहीं आती, आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, और जैसे ही टेंडर की डेट निकली उसको तुरंत इंग्लिश में ही विदाउट ट्रांसलेशन उसको समाप्त भी कर दी डेट। हम लोगों ने दबाव बनाया इसके ऊपर, दोबारा वो डेट निकली, उसमें बहुत सारे लोग शामिल रहे, नाम अगर लूंगी तो हम लोग टाइम लगाएंगे यहाँ, तमाम लोग जो सुन भी रहे हैं हमारी चर्चा को। उसके बाद ये हुआ कि जो मशीनें जो दी गई वो पिक एंड चूज के आधार पर भी दी, वो लोग जो जब बावजूद कोर्ट के डिसीजन के कि उनको प्रायोरिटी दी जाने चाहिए थी, जो मैन हॉल में जिनकी डेथ हुई या उनके परिवार से संबंधित थे, देन उसके बाद आना चाहिए था शेड्यूल कास्ट, हालांकि स्वच्छता समाज इज आल्सो इंक्लूड इन शेड्यूल कास्ट, बट जब हम मशीनी का जो मशीनीकरण जब हुआ और कोर्ट का भी डिसीजन आया उसमें यह था कि सफाई कर्मचारी जो मरे हैं पहले उनकी दावेदारी बनती है, और ये सोशल जस्टिस का सवाल भी था, लेकिन हमारे ही अपने लोगों के द्वारा वो जो मशीनें जब दी गई या लोन जिनके सैंक्शन हुए या तमाम ट्रैक्टर का और तमाम जो टेंडर पास करने का था वो एक अपने ही, हालांकि गए अपने ही समाज में, अच्छी बात है हमारे ही समाज में रहा, लेकिन दावेदारी तो उनकी थी। मेरा सवाल सर आपसे सीधा सा ये है कि जब हम ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते हैं या जब हम एज ए बिजनेसमैन किसी पेशे को जो एक तरह से थोपा गया लगा लीजिए या जिस पेशे को हम लगातार करते आए हैं, तमाम गांव देहात में आज भी एक तरह से जागीरदारी जो कही जाती है, खासकर जो सफाई पेशे से जुड़ा हुआ वर्ग है वो वही उसकी जागीरदारी है, वही उसकी विरासत है एक तरह से, इसलिए मैंने इसको मूल पेशा कहा है,
मेरा मतलब सिर्फ इससे था, वो जब इससे हटके जब वही पेशे जब टेंडर की तरफ बढ़ते हैं या इंडस्ट्री की तरफ बढ़ जाते हैं तो उनकी भागीदारी नगण्य हो जाती है, ऐसा क्यों सर? दिल्ली में हुआ है और ये एकदम मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट है, मैं मेरे पास फाइल है पूरी की पूरी इसकी, जिसमें जो पास हुआ टेंडर उसकी पूरी डिटेल मेरे पास, और जो कोर्ट का डिसीजन है वो मेरे पास था, और जिन लोगों को मिले, इवन मैं बिल्कुल चैलेंज करके आपके सबके सामने कर रही हूँ, जिन लोगों को मिले दैट इज नॉट बिलोंग टू स्वच्छकार समाज, सफाई कर्मचारी समाज, उनमें से बहुत गिनी चुनी मशीनें सफाई कर्मचारियों के हाथ में आई, क्योंकि उनको पता ही नहीं लग पाया इतना सारे बातचीत के बावजूद भी, और जब पता लगा तो दोबारा टेंडर निकाला गया, हालांकि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने इसको थोड़ा सा कोशिश करने की, मतलब बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन एक तरह से न्याय उनको नहीं मिल पाया। आप सर इसमें क्या सोचते हैं? जी तो देखिए, टेंडर तो ओपन होता है, उस टेंडर में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे जैसे कहा गया कि देखिए वो टेंडर में जो डिफाइन किया गया है वह ये डिफाइन किया है कि टॉप प्रायोरिटी विल बी डिसीज फैमिली, ओके, उसमें हमारा भी सहयोग है, ये अभी ज्यादा बोल नहीं सकते, आपका क्रेडिट ही है ये मैं जानती हूँ, तमाम मेरे लोग जानते हैं, दिल्ली के जितना सफाई कर्मचारी वर्ग है वो आपको इसके लिए तो धन्यवाद देता है, क्योंकि आप देखिए ना सर, हम टेक्निकल बात करते हैं, सॉरी सर एक सेकंड सिर्फ, ये मैं आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं गिना रही, ये समाज है, तो देखिए ये प्रोसेस है, नहीं समाज की उपलब्धि भी है सर, मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि ये सिर्फ नहीं है, समाज की उपलब्धि थी, वो लोग जो लगातार मेन हॉल में मरे जा रहे हैं, जिनके लिए किसी तरह के टेक्निकल उपकरण की कोई मदद नहीं की जा रही सरकार के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा, इवन हॉस्पिटल में जो सबसे ज्यादा बचाव का एक तरह से जहां बच जाता है आदमी वहां लोग मर जाते हैं, आरएमएल हॉस्पिटल में 4 लोग मारे गए, मेरे बगल में जहां से मैं बात कर रही हूँ भगत चंद्रा हॉस्पिटल में, वहां लोग मैनुअल स्पंजिंग में ऐसे ही तेल लगा के और बिना उपकरण के निकल जाते हैं। ऐसे में अगर डिक्की इस कंसेप्ट को लेके आया, आई एम पर्सनली सैल्यूट टू यू सर, और ये बहुत बड़ी एक क्रांति थी, लेकिन इसमें हमें सोशल जस्टिस भी चाहिए सर। अभी 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 देखिए मैडम, दिल्ली में केवल ये एक ही काम नहीं है, दिल्ली में इतने करोड़ों रुपए के काम होते हैं, और वो जो टेंडर सबके लिए खुले होते हैं, मगर उसमें हमारे कितने लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये जो टेंडर को हमने बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को भी मदद की कि आप ये करिए, इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए वो होगी जो लोग डिसीज फैमिली है, जिनके घर से कोई ना कोई किसी की कैजुअलिटी हुई है, उनको प्रायोरिटी दे दीजिए, वो सभी 11 लोग जो है मैडम, उन 11 लोगों को इस टेंडर में हैंड होल्डिंग हमने किया। दूसरी बात जो बैंक का जो लोन होता है वह लोन कोई भी बैंक 75% लोन देती है, 25% आपको आपका जो पूंजी है वो लगानी पड़ती है, मगर उसको हमने बदलाया, बैंक को हमने कहा कि लोगों के पास पैसा नहीं है तो 90% आप लोन दीजिए, तो वो भी बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया, हैदराबाद में वैसे नहीं हुआ था मगर दिल्ली में वो हुआ। अभी 10% जो कंट्रीब्यूशन है वह भी कंट्रीब्यूशन ये जो डिसीज फैमिली है 11 उनके पास नहीं था, वह कंट्रीब्यूशन मैडम डिक्की के लोगों ने अपने हमारे पॉकेट से हमने भरा है, उससे लाभ नहीं है 1 रुपये का भी, तो ये भी जो दर्शक जो देख रहे हैं तो वो भी वो जान ले कि भाई ये शुरुआत हुई है, तो इस प्रकार का भी टेंडर बन सकता है, इस प्रकार हैंड होल्डिंग होने के बाद बैंक भी लोन दे सकती है विदाउट कोलैटरल। फिर दूसरी कंडीशन उसकी ये थी कि जो सफाई कर्मचारी अभी फिर वो सफाई कर्मचारी रहेंगे, दूसरी बात उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग रहेंगे और जनरल, तो देखिए मैं आपको मैडम बताता हूं, लगभग देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, दर्शक भी जान ले,
जो टेंडरिंग प्रोसेस हमारे देश की है, उस टेंडरिंग प्रोसेस में इस प्रकार का रिजर्वेशन या प्रावधान है ही नहीं। आप उठा के देख लीजिए कहीं पे भी, मगर यहाँ पे हमने प्रयास किया। हाँ, हुआ कुछ है थोड़ा बहुत, 19-20 एने की सबको मौका नहीं मिला होगा। अभी भाई एक ही तो टेंडर है और बहुत सारे टेंडर निकलेंगे, तो यह एक प्रयास हुआ। अभी ये प्रेसिडेंट बना, देखिए आप समझ लीजिए, तो टेंडर ऐसे बनना चाहिए। आप लड़ाई लड़े, देश भर लड़ाई लड़े, हर जाके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके बैठे, वो कॉर्पोरेट कमिश्नर के पास उनको बोले कि भाई दिल्ली सरकार में जो टेंडर बना और जो कंडीशंस वहां लगाई है उसी प्रकार के सब टेंडर होने चाहिए। तो ये जो बेस बनाने का काम है वो किया। ठीक है, आप जो कह रही है समाज का भी कुछ कहना है, सब लोगों को मौका नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला? कुछ लोगों के लोन नहीं हुए, सिंपल केवाईसी डॉक्यूमेंट भी उनके पास नहीं थे। अभी एक तो केस ऐसी थी, उनका घर नहीं था तो वो बहन सिस्टर के घर रहते थे, तो सिस्टर के घर गए बैंक के लोग वेरीफाई करने के लिए, तो उनके लोगों ने कहा यहाँ वो रहता ही नहीं है। तो देखिए उसके डिटेल में हम जाएंगे तो क्या क्या हुआ वो तो सब है, मगर वो उसको छोड़ देते। बिल्कुल सर। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जैसे हैदराबाद और दिल्ली की तर्ज पे पूरे भारत में खासकर जो हॉल को साफ करने का है रोबोट से और मशीन से पूरे भारत में लगाने की योजना है? मुझे लगता है सर ये काम बंद होना चाहिए, बिल्कुल अमानवीय है मैनुअल उतरना शिविर में और फिर डेथ हो जाना। तो क्या सर क्या योजना है डिक्की, क्या इसमें पूरे भारत में चाहता है सर? देखिए इस बात को हमने प्राइम मिनिस्टर, देखिए हमने इसको कितना बड़ा बनाया। बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, हम पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, बेस बनाने वाले, तो हमने इसको इतना बड़ा बनाया। एक तो एक टेंडर बना, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इसका बाकायदा प्रेजेंटेशन हुआ हैदराबाद के मॉडल का, तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से अर्बन से लेके सब लोग आए थे, वहां पे प्रेजेंटेशन हुआ और हमने ये ही कहा कि भारत सरकार जो 100 स्मार्ट सिटीज बना रही है तो सब स्मार्ट सिटी जो है वो मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री होना चाहिए और हर सिटी में कम से कम 50 जो है वह 50 जेटिंग मशीन्स होनी चाहिए और उसके उसके माध्यम से उस शहर की सफाई होनी चाहिए, कोई भी आदमी मैनहोल में नहीं उतरेगा। तो देखिए वो अगर हो जाएगा तो लगभग 5,000 स्वच्छकार समाज के जो अभी जो कुछ हुआ है वो आगे वो दुरुस्त करेंगे हम सब लोग, तो लगभग 5,000 युवा जो है वह एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो उसकी योजना हमने बनाई है। तो सरकार ने तो यह प्रथा बंद होना चाहिए, मैनुअल रोबोट से क्लीनिंग करेंगे वगैरह, यह तो सरकार सोच रही है, तो वो है, वो तो हम तो बिल्कुल लगातार सरकार के टच में है, बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, वो रोबोट भी शेड्यूल कास्ट का आदमी लेके लगाएगा स्वच्छकार समाज का, उसको हम रोबोट देंगे। अभी वो रोबोट को फाइनेंस कौन करेगा? और सर टेक्निकल भी जानकारी होनी चाहिए, कोई वर्कशॉप ऐसा कुछ, ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। सर एक चीज और मैं जानना चाह रही हूँ सर, स्वच्छकार समाज के लोग कैसे डिक्की से जुड़े खासकर इस मुद्दे पे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों की भी जरूरत पड़ेगी मशीनीकरण का की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम लोग अनपढ़ ही हैं, पढ़ा लिखा तो कोई उस तरीके से आंकड़ा है नहीं हमारे सामने, और जो पढ़ा लिखा होगा तो मैनुअल स्कैनिंग में नहीं जाएगा कम से कम। तो इसके लिए क्या सर कोई योजना? तो देखिए लोग स्वच्छकार समाज के डिक्की जैसी में खासकर इस उद्योग से जुड़े सर। तो देखिए मैडम, हमारा तो यही एक दो मॉडल जो हमने बनाए हैं, तो उसके कुछ ऑपरेशंस के इश्यू हो सकते हैं, मगर ये सामने लेके आए हैं कि इस प्रकार भी काम हो सकता है, इस प्रकार के भी टेंडर बन सकते हैं। तो उस प्रकार हमारा अभी पूरे देश भर में यही प्रयास रहेगा कि
टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करके कैसे सफाई का काम हो, जो हाथ मैंने जो पहले कहा वो हाथ से साफ सफाई न हो, तो उसके लिए हम ट्रेनिंग देंगे लोगों को। ये सबको ट्रेनिंग दिया हुआ है, ये जो लोग अभी कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास एक्सपर्टी है, हमारे पास बैंकिंग एक्सेस है, हमारे पास गवर्नमेंट एक्सेस है, क्योंकि लोगों को ये पता है कि दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए काम कर रहा है, जमीन पर काम कर रहा है। तो यह सबको मालूम है, इसलिए यह हमारा एक्सेस है सरकार के पास। एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वह डिक्की है। और हम लोग मैंने खुद ने यह तय किया है कि ट्राइबल यूथ और ट्राइबल में और काम करेंगे और स्वच्छकार समाज में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो स्वच्छकार समाज के जो अलग अलग संगठन है वो हमारे संपर्क में है, दिल्ली में भी हमारे संपर्क में कुछ लोग हैं, उनके साथ भी महाराष्ट्र में है, कर्नाटका, सब जगह पे हमने बोला है कि देखो हम शेड्यूल कास्ट में आते हैं सब, तो हम सब भाई है, तो सब मिलके और जो जो सबसे ज्यादा कमजोर है उनको आगे लाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। और जो हम पढ़े लिखे जो लोग हैं, सभी समाज शेड्यूल कास्ट में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी ये जिम्मेवारी है कि जो तबका हमारे समाज में जो पीछे है उनको आगे आए, और उसके लिए डिक्की पूर्ण सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा। उनके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ हमारा एमओयू है एनएसडीसी के साथ, और वहां पे उन्होंने एक ऑफिसर अपॉइंट किया है मिस्टर संजय प्रधान, वो यही काम देखते हैं। उन्होंने हमको कहा है कि मिलिंद किसी भी प्रकार की देश में ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी मशीन से लेके कुछ भी करने की, तो एनएसडीसी के जो लोग है वो करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग का जिसको हम काम बोल सकते हैं, तो ऑन जॉब मशीन ट्रेनिंग वो सब हमने जो ग्राउंड वर्क है वो हमारा पूरा तैयार है। मगर ये पैंडेमिक की वजह से सब पूरा स्थिति तो थोड़ी बेकार है। जी जी, ये दौर भी निकल जाएगा, आपके लिए बहुत सारे काम हैं अभी करने के बाकी। तो सर हम कुछ सवाल ले लें, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा पे विराम देंगे। कुछ सवाल ले लें, बहुत सारे सवाल आपके लिए हैं, लेकिन मैं तमाम दर्शकों से ये माफी भी चाहूंगी कि इतने सारे सवालों को मैं एक चर्चा में नहीं ले सकती, लेकिन कुछ सवाल जो हमारे जो आज का जो विषय है स्वच्छकार समाज उद्यमिता की ओर, उन सवालों को ले लेते हैं। सर संजय कुमार जी हैं, आपको जय भीम बोल रहे हैं। निशा जी हैं, महाराष्ट्र से हैं, वो भी आपको बात कर रही हैं, आपसे बोलती हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सर सवाल ले लेते हैं सीधा, प्रोफेसर गंगा साय मीणा जी हैं, उनका सवाल है सर क्या आपके अभियान में जनजातियां भी शामिल हैं? हाँ तो उनका रुख क्या है, उनके जीवन में क्या बदलाव है? तो देखिए डिक्की में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों उसमें आते हैं। उसमें एक हमारा कंप्लीट एक वर्टिकल है, विंग है, ट्राइबल विंग, जैसे वुमन विंग है वैसे ट्राइबल विंग है। अभी 2018 में हैदराबाद में हमने फर्स्ट नेशनल ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस हमने की थी, जिसमें पूरे देश भर से 1000 अनुसूचित जनजाति के उद्यमी उसमें पार्टिसिपेट हुए थे। तो सब लेवल पे हम लोग हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। मैं आपको ये तो बताया, हमने दूसरा एक बड़ा प्रोजेक्ट पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ किया, 3222 जो है एससी एसटी के लोगों को जो बल्क एलपीजी टैंकर ट्रक होते हैं वो निकाल के दिए पूरा, वो भी 1 करोड़ तक के लोन विदाउट कोलैटरल, 40 लाख तक के लोन, यहाँ तक हमने पूरा बैंकों के साथ टाई अप करके उनको सपोर्ट सिस्टम दिया। तो उसमें मैं मीना जी को बताना चाहूंगा कि 400
जो ये नक्सल बेल्ट जो है हमारे देश में, रेड कॉरिडोर जिसको कहते हैं, वरंगल से लेके हमारा गढ़चिरौली से लेके आप जाओगे वैसे पूरा सरायकेला तक झारखंड में, तो उस बेल्ट में हमने 400 अनुसूचित जनजाति के युवाओं को विदाउट कोलैटरल ऐसे उनको 40 लाख का बल्क एलपीजी टैंकर ट्रक देने का हमने काम किया। लगभग अभी जो 3000 है उसमें लगभग 800 जो जनजाति के जो युवा है, अभी नॉर्थ ईस्ट में तो सब ट्राइबल ही आते हैं, लगभग 400 ट्राइबल यूथ को नॉर्थ ईस्ट में इसका लाभ मिला है। तो ये हम जो कर रहे हैं, और सभी अभी जो हमारा चेंबर का लास्ट वीक ही इंटरेक्शन ट्राइबल मंत्री जी के साथ वेबिनार हुआ, तो हम लगातार लगे हैं ट्राइफेड के जो स्कीम्स है उसको कैसे पहुंचाए, वेंचर कैपिटल कैसे बने, शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसमें कैसे बदलाव होने चाहिए, इस सब के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जी शेखर भारतीय टिप्पणी कर रहे हैं, सर दलित समाज को कामयाबी हजारों संगठन या हजारों नेताओं से नहीं मिलेगी बल्कि सभी संगठनों का एक लीडर होने से मिलेगी, जैसे बाबा साहब थे आज कोई भी बाबा साहब नहीं बन सकता। टिप्पणी है एक तरह से इनकी सर। हम आगे बढ़ते हैं, स्वच्छकार समाज को उद्योग की मुख्य धारा में कैसे लाया जा सकता है, निशा जगदीश पारचा जी पूछ रही है सर। तो देखिए अभी पारचा जी और ये बहुत सारे जो सर दो तीन सवाल इसी से मिलते जुलते हैं, मैं पढ़ देती हूँ सर ताकि इकट्ठा आप जवाब दे दें। सूरज कमल हैं, कहते हैं कि दलित लोगों को बिजनेस में कैसे और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। एच एल दुषाद जी कहते हैं कि एक्सेलेंट जॉब है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। टुडे टॉपिक इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर स्पेसिफिकली दलित कास्ट, डॉक्टर मुकेश कुमारी सिंह सर। संजय कुमार जी कैसे, खासकर स्वच्छ समाज उदासीन है, उसे संवैधानिक प्रावधानों का ज्ञान ही नहीं है, आपके विचार उनके लिए प्रेरक बन सकते हैं। आदिवासियों का ये दोनों तीनों सवाल सर मिलते जुलते, आप पहले इसको रिस्पॉन्ड कर लीजिए फिर हम अगले प्रश्न पे जाएंगे। जी तो देखिए जो हमारा स्वच्छकार जो समाज है, तो ओवरऑल में तो सब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो समाज है वह जो संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या क्या है, हमारे अधिकार क्या क्या स्कीम्स हमारे लिए बनी है, यस इसकी जानकारी लोगों को कम है। तो हम सबकी ये जिम्मेवारी है, हमारी भी है, सबकी हमारी ये जिम्मेवारी है कि इनको इस जो हमारे अधिकार है उसकी जानकारी उन तक पहुंचाना, यह एक बात। दूसरी बात जो मैंने कही, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का जो आदमी है उसके पास स्किल है, उसने वो पहचानना चाहिए मेरे पास क्या स्किल है, मैं क्या कर सकता हूँ। अभी देखिए पढ़े लिखे तो बहुत है मैडम, 70 साल हो गए, 70 साल में अगर हमने एवरेज भी अगर हम देखेंगे शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट काफी है। अभी बहुत सारे लोग देखिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो पढ़े लिखे तो हैं, तो हमें थोड़ा सा खुली आंख से थोड़े देखना चाहिए कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं अपॉर्चुनिटी को, और क्या क्या हमारे लिए। तो हमारा चेंबर का तो काम है, बिल्कुल हम करेंगे, जैसे अभी हमने शुरुआत की है, ये तो एक शुरुआत है। अभी और सारे बहुत सारे ऐसी जो बिजनेस आइडियाज हम लेके आ रहे हैं और उसके प्रेजेंटेशंस हमारे अभी लखनऊ में हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, लगभग 700 युवा उसमें आए थे, स्वच्छकार समाज से भी बहुत सारे युवा उसमें आए थे। तो उन तक अलग अलग बिजनेसेस, छोटे 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 बिजनेसेस जो है जो वर्केबल हो गए, बिल्कुल आप बड़ा मत सोचिए, जब छोटा बिजनेस शुरू करिए, छोटे से ही बड़ा होता है। रतन टाटा से लेके ये सब लोग एकदम से बड़े नहीं हुए, 150 साल वो बिजनेस कर रहे हैं, वो तो आए थे बाहर से, तो उन्होंने ट्रेडिंग का काम शुरू किया, ट्रेडिंग का काम शुरू करते 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 फिर छोटी फैक्ट्री लगाई, छोटी सी बड़ी हो गई,
150 साल लगे। आपको मैं बताता हूं कि इसको हमको ध्यान देना होगा, कहां मौका है वो हमको ढूंढना चाहिए। हमारे पास स्किल है, सबके पास स्किल है। अभी मुद्रा से लेके बहुत सारी योजना है, मुद्रा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 3.5 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिला हुआ है। लोन की साइज छोटी है, मगर जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए तो मुद्रा भी नहीं थी और कुछ भी नहीं थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी नहीं थी, तो तब तो कुछ नहीं था। मगर अभी स्कीम्स है, उसको कैसा लाभ ले सकते हैं, बताने वाले लोग हैं, ये सब आपके अभी सब मौजूद है। तो समाज आगे आना चाहिए, वो जो एक मानसिकता है उस मानसिकता से बाहर आना चाहिए। यस सर, हम कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं सर। सूरज कमल जी बोल रहे हैं, सर समाज में बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, और उसके पास पैसा भी नहीं है। अगर लोन बैंक नहीं देता है किसी कारण से, बिजनेस स्ट्रक्चर से संतुष्ट नहीं होने के कारण, तो क्या समाज में कोई संस्था है उसे मदद करे? बिजनेस में अगर नहीं है तो ऐसी संस्था की जरूरत तो होनी चाहिए हमारे समाज में जी। सर दो तीन सवाल इकट्ठे ले लेते हैं और कवर हो जाएगा सर। चिरंजी लाल आर्या जी कहते हैं कि क्या कारण है कि सिंध लोग बिजनेस, एक सेकंड सर, हाँ जी, क्या कारण है कि सिंधी लोग विभाजन के समय सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर भी आज पूरी तरह से संपन्न है, बट एससी एसटी के लोगों को आरक्षण मिलने के बावजूद हालात में सुधार नहीं हो रहा? इसका कारण यही रहा है कि उनके पास कपड़े का व्यापार था, बट हम उस पुरातन मनुवादी व्यवस्था आधारित कार्यों को आज भी ढो रहे हैं। मेरा आप सभी से आह्वान है कि चाहे छोटे स्तर से ही शुरू करें, व्यापार में घुसे। क्या मलमूत्र साफ करने की ठेकेदारी हमारी ही है? समय आ गया है कि मलमूत्र साफ करने का कार्य कराने का अवसर उच्च कास्ट को देना चाहिए। चिरंजी लाल आर्य, अध्यापक, कोट पुतले, जयपुर, राजस्थान। और ले लेते हैं सर कुछ सवाल। सब ले लीजिए, एक ही साथ में बात करते हैं। मैं वही, इसलिए सर समय भी थोड़ा सा बचेगा और सवाल लगभग ज्यादा अलग नहीं है। अनुज कुमार भारती लिखते हैं कि मैडम डिक्की, मैडम ही सर को संबोधित करिए भाई, सर आज मुख्य वक्ता हैं, मैं तो सिर्फ आप लोगों की आवाज बनके उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। डिक्की क्या करता है एससी एसटी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? मैं अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहता हूं, बट कोई मार्गदर्शन नहीं करता है। आगे सर संजय कुमार जी कहते हैं कि स्वच्छकर समाज अपने उत्पाद हेतु बाजार कैसे विकसित करेगा जब उसको स्वर्ण समाज का सहयोग ही नहीं मिलेगा जाति के कारण? मेरा प्रश्न है, शायद सर ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, आप पहले रिस्पॉन्ड कर लीजिए फिर इकट्ठे प्रश्न ले जी सर। तो देखिए बहुत सारे सवाल है, कैसे जुड़े सीधा वहां से, सबका अर्थ एक ही मैं समझ रहा हूँ जी जी। तो देखिए आज के तारीख में हमारे समाज में बहुत सारे जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हैं वो इसी समाज में बने हैं, वो भी जीरो से उभर के आए हैं। ओके, उनको भी कोई बैंक का सपोर्ट नहीं था, उनके सामने भी ये सवाल था कि मैंने अगर बनाया तो मेरा कौन खरीदेगा, क्या अपर कास्ट के लोग मेरे से खरीदेंगे। ये जो सवाल जो सब जो रहते हैं मन में, तो ये जब आप काम शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा। चलो धीरे धीरे क्या क्या दिक्कतें उसमें आती है, आप शुरू तो करिए, कुछ तो शुरू करिए, तब आपको दिक्कत क्या है वो समझ में आएगी, और तब आपको तभी आपको ही उसमें से रास्ता सूझेगा कि कैसे आगे बढ़ना है इसमें से। तो जब तक आप शुरू ही नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो कुछ नहीं होगा। तो देखिए डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स देर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन द कंट्री, क्योंकि जो हम लोग जो सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं
उनकी दुनिया उतनी सीमित है, आपके पास वो लोग नहीं आते। जब हम जो पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, हमारे पास जो आने वाला क्लास है वो एकदम डिफरेंट है। तो हम ये समझते हैं कि अरे बिजनेस में हमारे कुछ भी लोग नहीं है, ये ठीक नहीं है। और वो सक्सेसफुल बने हुए हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड। मैं आपको एक मैडम बताता हूं, जिसको काम करना होता है वो सभी दिक्कतें कितनी भी आ जाए, लाख दिक्कतें आ जाए, उसको वो पार करके वो आगे चला जाता है। बस आएगा, बिजनेस का मतलब ही दिक्कतें होती है, और उस दिक्कतों का आप कैसे सामना करते हो और आगे बढ़ते हो, उसी के ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड होता है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड दिस क्वेश्चन यू आर रिस्पोंडिंग सर। संजय कुमार लिखते हैं, स्वच्छकार समाज अपने पेशे में मशीनीकरण से भयभीत है, सोचता है हमारा रोजगार गया स्वर्ण के हाथ में। स्वच्छकार समाज के ठेकेदार भी मशीनीकरण के कारण शोषण के माध्यम है। यस, तो देखिए देखिए जो ये टेंडर जो बना और हमने जो प्रोसेस शुरू की, क्योंकि हमारा यही मकसद है कि हमारे लोग तो काम देखिए ये बहुत आसान है कि आप काम छोड़ दीजिए और घर में बैठिए। अरे भाई करेंगे क्या और खाएंगे क्या हम? तो जो काम है उसको मॉडर्न तरीके से हम कैसे करें, तो वो तरीका हम अपनाएं, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो दूसरे कर रहे हैं और दूसरे के यहाँ जाके हम ही काम कर रहे हैं। तो ये इस श्रृंखला को अगर कहीं से हमको अगर तोड़ना है तो यस, हम खुद ही मशीन चलाएंगे, हम अभी हाथ से काम नहीं करेंगे, मशीन से काम करेंगे। दुनिया अभी मैं आपको बताता हूँ, क्या दुनिया भर में स्कैवेंजिंग का काम नहीं होता है? क्या दुनिया भर में क्या आदमी यानी कि ड्रेनेज में वो नहीं उतरते हैं, मगर वो मशीन से ही काम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया में हाईएस्ट पेड सर्विसेज है, जो लोग ये स्कैवेंजिंग के एक्टिविटी में, वो तो मैकेनाइज स्कैवेंजिंग होता है, और वो जो है हाईएस्ट पेड वो जॉब है, हाईएस्ट पेड वो बिजनेस है, मगर हमारे देश में वो लोएस्ट पेड है, और उस हमारे देश में उसकी डिग्निटी भी नहीं है। तो उसको कैसे बढ़ाना है? लोगों को तो हम ये एकदम से नहीं बोल सकते कि आप बंद कर दो ये बिजनेस, मगर लोग जाएंगे क्या और खाएंगे क्या? तो उसको टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करेंगे और मॉडर्नाइज करेंगे और वो करके, हाँ जी जी अब ठीक है सर, हाँ तो उसको हम मॉडर्नाइज करेंगे और उसमें से हाथ से काम नहीं करेंगे, उसको मॉडर्नाइज और टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे, और उसमें से अभी कर ही रहे हैं बाकी लोग, बाकी सर अभी अभी कौन ठेके कौन चला रहे हैं, तो बाकी लोग कर रहे हैं ना, बाकी समाज के लोग कर रहे हैं जी जी। तो उसके हम वहां पे सिर्फ लेबर का काम कर रहे हैं। तो हमें अभी हमें खुद को एंटरप्रेन्योर बनना है, ये मानसिकता समाज को बनाना चाहिए जी। सर लाल सिंह है लिखते हैं, वेरी गुड डिबेट, इफ देयर इज एनी वर्क आई एम रेडी, आई एम एंगेज्ड विद सुलभ इंटरनेशनल एंड रिटायर्ड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। सर वरिष्ठ लेखक है हमारे भारती, कमल भारती सर, वो कहते हैं कि ये काम बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बेहतरीन मुहिम है, बहुत सारे लोग सर हैं इसमें जी। सर कह रहे विवेक, हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है विवेक टांग, वो कहते हैं कि सर दिल्ली या किसी अन्य शहर में किस तरह से डिक्की से जुड़ा जा सकता है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है सर, इनफैक्ट मेरा ही स्टूडेंट है जी। तो देखिए दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आप तो अभी स्टूडेंट है, अगर आप कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारे ऑफिस के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है dikki.in, इस नाम से वेबसाइट है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है, दिल्ली के ऑफिस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कोई राजस्थान से पूछ रहे थे, राजस्थान में भी हमारा ऑफिस है, राजस्थान के सभी जिलों में लगभग हमारे कोऑर्डिनेटर्स है,
डॉक्टर सत्य प्रकाश वहाँ के हमारे प्रेसिडेंट है, वो जयपुर बेस है, तो ऐसे पूरे देश भर में नेटवर्क है, कोई भी जुड़ सकता है जिसको बिजनेस करने की इच्छा है, जिसको मेहनत, देखिए बिजनेस में बहुत मेहनत करना पड़ता है, नौकरी में 8 ही घंटा काम करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं, एक बिजनेस मन को 24/7/365 काम करना पड़ता है, तब जाके कुछ बनता है, तो ये इसकी तैयारी होनी चाहिए। बस बिल्कुल डिक्की जो है वह स्वच्छकार समाज को मार्गदर्शन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारे सभी चैप्टर्स जो है पूरे देश भर के वह रेडी है, उनको हमने बोला हुआ है, तो आप संपर्क में रह सकते हैं। जी जी सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा है सर, बहुत सारे सवाल थे लेकिन मैं तमाम दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि सर ने बता दिया, डिक्की की वेबसाइट भी बताई है और दिल्ली में ऑफिस भी है, तमाम 25 राज्यों में जो काम चल रहा है सभी जगह ऑफिस है, वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं और प्रश्नों को भी आपको मैक्सिमम हमने कवर करने की कोशिश करी है, तो इसलिए तमाम बहुत सारे प्रश्न लेना मेरे लिए असंभव है, बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए आपकी डिबेट को देख रहे थे सर। अंत में सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि दलितों के लिए आपका क्या संदेश है? तो देखिए, मैं दलित समाज के जो युवा है उनको मैं यही कहूंगा, आज जिस प्रकार की इकोसिस्टम उद्यमी बनने के लिए देश में है, उस प्रकार की इकोसिस्टम पहले कभी नहीं थी। दिस इज अ बेस्ट टाइम फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब यूथ टू गो फॉर स्टार्टअप्स, बिकॉज फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है, मुद्रा से लेके स्टैंडअप से लेके वेंचर कैपिटल फंड से लेके क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी स्कीम, ये सब बना हुआ है, नेशनल एससी एसटी हब के माध्यम से पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट बना हुआ है, और 4% प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनी है, तो एक मार्केट बना हुआ है, तो यह पूरा जो एक सिस्टम है वो पूरा बना हुआ है। तो मेरा इतना ही संदेश है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एससी एसटी यूथ टू गो फॉर स्टार्टअप, जैसे स्वच्छकार समाज बिजनेस की ओर बढ़ो, तो यह मैं सभी के लिए है, तो अभी द बेस्ट इन्वायरमेंट हमें उद्यमी बनने के लिए देश में है, तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं ने उद्यमिता की ओर बढ़ना चाहिए, बस इतना ही मेरा संदेश है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारे प्रश्नों का हल करने की कोशिश की है, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी स्वच्छकार समाज की और तमाम हमारे एससी एसटी ओबीसी के और खासकर ट्राइबल्स और स्वच्छकार समाज के प्रश्नों को भी आपने कोशिश करी सभी को लेने की। इन्हीं शब्दों के साथ आपने सर इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए दिया, तमाम दर्शकों की तरफ से स्वच्छकार समाज की तरफ से मैं सर बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर आपको, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस सर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक वी हैव स्पेंट 1 आवर विद यू, थैंक यू सो मच सर, जय भीम जय भारत, हुल जोहार, सलाम सर।